वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एमएस वर्ड का इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपकी ये रिलेटेड कमांड ओपन हो जाती है। आज हम करेंगे इसमें पेजेस एंड टेबल्स ग्रुप को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंसर्ट मेन्यू में फर्स्ट है आपका, अगर मुझे कुछ राइट करना है तो आप राइट करते हो इज इक्वल टू आर ए एंड बी एंड ब्रैकेट, इससे डमी टेक्स्ट आपका राइट हो जाता है। कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ टेक्स्ट चाहिए देन आप यूज करते हो इसको। नेक्स्ट है आपको, आप स्क्रीन का साइज थोड़ा शॉर्ट और लॉन्ग करना चाहते हो देन आपके पास ये स्लाइडर है बेटा, इसको आप मूव कर लीजिए, जूम इंक्रीज हो जाएगा आपका। ये देखिए, नाउ अब हम करेंगे अपना इंसर्ट मेन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास कवर पेज। पेजेस ग्रुप में हमारा ऑप्शन है कवर पेज। अगर आपको अपनी फाइल के लिए कवर पेज क्रिएट करना है देन यू क्लिक हेयर। अब कवर पेज जैसे आपने क्लिक किया, अब मुझे इनमें से ये ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है मेरे पास। अब ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट पेज क्रिएट कर रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, तो 100% जूम ही कर लेते हैं अगेन। अब इसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल यानी आपकी फाइल का क्या नेम है वो आप यहाँ पे राइट कीजिए। मेरी फाइल का नेम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड सब टाइटल क्लास 10। एनीथिंग यू राइट हियर, ड्रॉ योर रीडर, और यहाँ पर आप कुछ भी अनदर आइटम्स राइट कर सकते हो, कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। मुझे ये पोर्शन नहीं चाहिए देन यू कैन डिलीट इट ऑल। ठीक है, अपने पेज का, अपनी फाइल का कवर पेज क्रिएट करने के लिए आप इसे यूज करते हो। ये हमारी फाइल का कवर पेज क्रिएट हो चुका है। नाउ अगर आपको कवर पेज नहीं चाहिए देन आप क्लिक करोगे एंड रिमूव कवर पेज। ये आपका कवर पेज रिमूव हो चुका है। अगर आपको कवर पेज बनाना है देन यूज दिस ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास ब्लैंक पेज। अब आपने इस पेज पर इतना टेक्स्ट राइट कर लिया, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में मूव करना है। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एंटर प्रेस करते जाओगे और देन जब ये पेज एंड होगा तभी आपको नेक्स्ट पेज पर ये कर्सर लेके जाएगा। ये देखिए, अब आपका यहाँ पर ये पेज एंड हो चुका है, अब कर्सर आपका नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। अब मैं अगेन डमी टेक्स्ट राइट कर रही हूँ, आर ए एन डी। अब मुझे नेक्स्ट पेज में मूव करना है देन आप क्लिक करोगे एंड कर्सर ब्लैंक पेज। ये देखिए, आपका कर्सर जो है नेक्स्ट ब्लैंक पेज पे ले गया। यहाँ पर भी शो कर रहा है 3 of 3, यानी आपका कर्सर वहाँ पर है थर्ड पेज पे। जब भी आपको ब्लैंक पेज ऐड करना है देन यूज ऑप्शन ब्लैंक पेज इज इक्वल टू ये देखिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका है पेज ब्रेक। अब मैंने ये टेक्स्ट राइट किया हुआ है, यहाँ इसके बाद ये दो पैराग्राफ के बाद इस गैलरीज के बाद इस कर्सर के बाद ये जब सारा मैटर मुझे नेक्स्ट पेज पे मूव करना है। जब आपको कुछ रिटर्न टेक्स्ट के बाद नया पेज ऐड करना है देन यू यूज पेज ब्रेक। पेज ब्रेक जैसे ही करोगे तो ये जितना भी उसके पास रिटर्न टेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पर मूव कर देगा। अब मुझे ये जो टेक्स्ट है इसके बाद न्यू पेज चाहिए, कर्सर रखिए आपको जिसके बाद न्यू पेज चाहिए, आपने क्लिक किया एंड देन पेज पे आपका टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर मूव कर देगा बेटा। ये देखिए, सेकंड पेज, इट्स फर्स्ट वन, सेकंड एंड नेक्स्ट थर्ड। अब आपके पहले 3 pages थे, अब 5 pages हो चुके हैं आपकी फाइल। नेक्स्ट है आपके पास इंसर्ट टेबल। आप टेबल को ऐड करना चाहते हो तो आप यूज करते हो इंसर्ट टेबल। अब मुझे यहाँ टेबल ऐड करनी है, आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। ये है आपके बेटा
कॉलम। कितनी रोज है आपकी ये शो कर रहा है, एंड ये आपको शो कर रहा है कितने कॉलम्स हैं आपके। देखिए यहाँ शो करता है, जैसे मैं मूव करूँगी कर्सर तो 3x2 यानी आपके 3 कॉलम्स एंड 2 रोज। ठीक है, आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं ऐड करने के लिए टेबल। ये टेबल ऐड हो चुकी है, यहाँ पर आप अपना डाटा राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेल में मूव करना है तो आप टैब की प्रेस करोगे कीबोर्ड से, सेकंड नेम, फिर टैब की प्रेस कीजिए एंड थर्ड वन इज क्लास। अब फर्स्ट रो नंबर है हमारे पास, नेम है राम एंड क्लास है एट। अब मुझे सेकंड एक और रो ऐड करनी है, एक और स्टूडेंट की डिटेल लिखनी है, तो आप सिंपली टैब की प्रेस कीजिए। अब टैब की प्रेस करते ही ये रो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। अब टेबल से बाहर आ रहा है, देन डाउन एरो को क्लिक कीजिए तो टेबल से बाहर आ जाओ। अब टेबल को ऐड करने का एक और मेथड है इसमें, एक तो आपने किया रोज एंड कॉलम्स की हेल्प से, नेक्स्ट आपका इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे बताइए कितने नंबर ऑफ रोज कॉलम्स चाहिए, कितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स आपको 2 चाहिए एंड नंबर ऑफ रोज भी आपकी 2 चाहिए। ओके, फिक्स विड्थ होनी चाहिए, मीन्स जितनी लेंथ है इसको आप चेंज भी कर सकते हो विड्थ को, एंड फिट टू कंटेंट या फिर फिट टू विंडो, मीन्स पूरी विंडो पे इसको हम पहले एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने किया किया मैंने। ओके, अब देखिए इसका विंडो का 1 का साइज क्या है, 1.3 एक कॉलम का साइज है। अब मैंने इसमें राइट किया ट्वाइस नेम एंड प्राइस। ट्वाइस नेम है इसका टेडी एंड प्राइस है 900। अब मुझे बाहर निकलना है, देन डाउन एरो। अभी देखिए हमने अभी फिक्स विड्थ किया था, अभी हम टेबल इंसर्ट करें आप दूसरे मेथड से, टेबल इंसर्ट। अब हमने नंबर ऑफ रोज और कॉलम उतना ही रखूंगी बेटा मैं, 2 ही रखे हैं। अब हमने ऑटो फिट टू कंटेंट कर दिया, अब इससे देखिए क्या होगा। ओके, आपकी टेबल ऐड हुई। अब मैंने यही टेबल बना रही हूँ ट्वाइस नेम, जितने कंटेंट आपके लिए जितना स्पेस चाहिए आपके टेक्स्ट के लिए सिर्फ उतना स्पेस देगा। और अब देखिए इसको मैं नेम बड़ा कर रही हूँ तो उसने अपने आप इसके फॉन्ट के साइज को, सेल के साइज को एडजस्ट कर दिया। अब इस तरह से एक टेबल, ये हो गया आपका कंटेंट टू ऑटो कंटेंट विड्थ, आपने कंटेंट के अकॉर्डिंग को विड्थ को चेंज कर लेगा। थर्ड है आपके पास ऑटो फिट टू विंडो, यानी विंडो के अकॉर्डिंग अपने साइज को सेट करें। अब मैंने इसमें भी साइज दिया है 2, नंबर ऑफ कॉलम 2 ही चाहिए हमें। ओके, अब देखिए पूरी फुल विंडो पे इसका साइज आया हुआ है। ये आपको डिफरेंस पता चला होगा। अब आपको अगर आप फिट टू विंडो करते हो तो पूरी विंडो पे शो करेगा ये, एंड फिट टू कंटेंट करते हो तो जितना कंटेंट के लिए रिक्वायर्ड होगा उतना स्पेस ये प्रो एडजस्ट करेगा, एंड अगर फिक्स विड्थ देना चाहते हो तो आप फिक्स विड्थ भी अप्लाई कर सकते हो। सेम टेबल बनाई हमने 3 मेथड से। नेक्स्ट आपके पास इंसर्ट टेबल ही आपका एक और मेथड आप यूज कर सकते हो टेबल ऐड करने के लिए, दैट इज ड्रॉ टेबल। आप अपनी टेबल को ड्रॉ कर सकते हो, क्लिक हियर। अब आपके पास पेंसिल आ गई, आप अपनी टेबल को ड्रॉ कर लीजिए कितने रोज और कॉलम चाहिए। यहाँ पे आप मुझे दिस वन 2 रोज एंड 2 कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ये मेरी टेबल क्रिएट हो। अब इसके अंदर भी सेम मेथड है राइट करने का, और नीचे आना है आपको, बाहर निकलना है, देन डाउन एरो। नेक्स्ट आपके पास टेबल के अंदर ही एक और ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन आपका तब वर्क करेगा जब हमने टैप किया एनीथिंग राइट किया होगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक्सेल स्प्रेडशीट कि अगर आपको एक्सेल की कोई टेबल क्रिएट करनी है, ये बिल्कुल एक्सेल की तरह डाटा शो कर रहा है आपको, जैसे एक्सेल भी शो करता है आपको ग्रिड लाइन शो कर रहा है और आप अपना राइट कर सकते हो मैटर।
अब एंटर प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, नेक्स्ट सेल में जाने के लिए। सेल होता है बेटा एक बॉक्स को एक सेल बोलते हैं। और एंटर नेक्स्ट, नीचे आने के लिए एंटर, एंड नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आप टैब की यूज कर सकते हो। अब मुझे इतना ही वर्क करना है, टेबल इतनी ही क्रिएट करनी है, बाहर क्लिक कीजिए तो ये टेबल आपकी स्क्रीन पर बन चुकी है। इसमें लास्ट ऑप्शन है एक आपका कि आप टेबल एक और मेथड से इंसर्ट कर सकते हो। हाउ? कि टेबल एंड क्विक टेबल। क्विक टेबल्स में क्या है, पहले से बनी हुई टेबल्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये देखिए पहले से इनमें से कोई भी आप टेबल को चूज कर सकते हो। मैंने ये मेथड किया टेबुलर लिस्ट के लिए, मेरी टेबल बनी हुई है, इनको आप यूज कर सकते हो या फिर अपना डाटा भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको डाटा चेंज करना है देन आप यहाँ से इस चेंज को चेंज भी कर लीजिए। जैसे कि मेरी आपकी जो बुक नेम था हमारा था, एक तो नेम से जो हमने टेबल बनाई है एंड दूसरा प्राइस, ठीक है। नेम हमारा टेरी एंड उसका प्राइस 900। दूसरा आप सॉफ्टवेयर का नेम लिख दीजिए, सॉफ्टवेयर का नेम एंड उसका नेम। इस तरह से आप अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको डिजाइन भी अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड फॉर्मेट आपका ऑलरेडी अप्लाइड है और टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। ये आपको नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, देन आप इन्हें सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए एंड कट। ये देखिए आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। आज आपने सीखा इंसर्ट, मेन्यू का, पेजेस ग्रुप एंड टेबल्स ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बेटा इलस्ट्रेशन ग्रुप को और नेक्स्ट आगे एडिंग्स ग्रुप को। इनकी हेल्प से आप एक टेबल क्रिएट कीजिए और कुछ पेपर को नेक्स्ट पेज पर मूव करना या एक बीच में ब्लैंक पेज ऐड कीजिए एंड इनकी प्रैक्टिस कीजिए आज आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।